आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ में समाज के साथ भेदभाव किया जा रहा है। केंद्र शासन ने पिछड़े वर्ग समाज को 27% आरक्षण का ऐलान किया हुआ है, जबकि राज्य शासन ने उसे काटकर मात्र 14% आरक्षण दे रखा है। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में पिछड़े वर्गों का 52% बसेरा हुआ करता है। मैं खिलेंद्र यादव और यह मेरा समुदाय। मैं तो कहता हूं 27% आरक्षण मांग कर रहे हैं हम। 27% आज आप लोग पेपर के माध्यम से देखते हो हमारे जनसंख्या कितनी है, 52% छत्तीसगढ़ में 52। और हमारे जो आदिवासी भाई उनकी संख्या छत्तीसगढ़ में कितनी है, 32%, और हम लोग 52, बाकी हरिजन और अन्य भाई लोग निवास रहते हैं छत्तीसगढ़ में। आज जब आरक्षण की बात आती है तो एक वर्ग को 32% उनके आबादी के अनुपात पे दिया जाता है, आबादी 32% आबादी के अनुपात में आरक्षण, और हम लोग 52% है उसको 14% अभी दे रहे हैं। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोलना चाहता हूँ, कोटा गांव में 2% से ज्यादा नहीं मिल रहा होगा। जिम्मेदार मतलब इनको ज्ञापन लेना चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ। ज्ञापन लेने के लिए अधिकारी ऑलरेडी किसको, किसी को रिपोर्ट नहीं किया गया है, उनसे बात की गई है, उन्होंने बोला कि हमसे हमको कोई उन्होंने जिम्मेदारी ज्ञापन की दे दी, मोबाइल लगा के तहसीलदार महोदय को बोला ज्ञापन दिया है। कोई बात नहीं, वो ले लेंगे, जो अधिकारी है वो लेंगे। पब्लिक को तो धोखा देता, पब्लिक को तो धोखा दे रहा यार। तहसीलदार होश में आओ, ये हमारे हक का लड़ाई है और हमारे मांगे हैं। हमारे मांगे आने 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग को, जैसा यहाँ कोंडागांव जिला में कुछ पटवारी का निकला था उसमें एक भी आरक्षण नहीं रहा, और जैसा पंचायत चुनाव होता है वहाँ जनसंख्या के आधार पर होना है बोलते हैं, परंतु वहाँ तो एक भी हमारा नहीं रहता है। यहाँ तक नहीं रहता कि 2 घंटा का जो ग्राम सभा संपन्न किया जाता है वहाँ भी हमारा 2 घंटा अध्यक्षता करने का अनुमति नहीं दिया जाता है। इस वीडियो को देखने वालों से अपील है कि राज्य शासन से, मुख्यमंत्री से फोन पर संपर्क कर पिछड़े वर्गों को उनके केंद्र द्वारा दिया जा रहा आरक्षण का फायदा दिलाया जाए। मुख्यमंत्री जी का फोन नंबर है 07715080303। मैं खिरेंद्र यादव, इंडिया अनहर्ड के लिए, कोंडागांव छत्तीसगढ़।